Hi friends, welcome to our channel Upgrade. दोस्तों आज हम बात करेंगे BCPL में आई हुई वैकेंसी के बारे में। इसमें जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा कैंडिडेट और BSc कैंडिडेट और ITI कैंडिडेट के लिए है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो सैलरी है वो 27,000 है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप हमारे तक लास्ट तक बने रहें। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी BPCL में आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जो वैकेंसी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आई हुई है, जिसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल फायर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे तीन तरह की मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें फॉरमैन केमिकल ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए और डिप्लोमा जो है इन केमिकल फील्ड में चाहिए या फिर पेट्रोकेमिकल में चाहिए या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और साथ ही साथ 55% जो है उनके डिप्लोमा में होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है मिनिमम एक साल का जो है ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप वगैरह आपने किया हो, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह ऑपरेटर की बात किया जाए तो ऑपरेटर केमिकल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि BSc कैंडिडेट जिसने जिनका जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा और 50% है, वो कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसमें भी जो है एक साल का जो है ट्रेनिंग मांगा हुआ है, ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिसशिप भी इसमें चलेगा आपका। देन यहाँ पे हम बात करते हैं बाकी पोस्ट की, जैसे केमिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑपरेटर फायर की बात करते हैं। तो ऑपरेटर फायर के लिए जो है यहाँ पे प्लस 12 के कैंडिडेट भी फॉर्म के लिए भर सकते हैं, और इसमें जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ऑपरेटर फायर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट तो आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टेक्नीशियन की बात किया जाए जिनकी सैलरी जो है आप सामने देख रहे हैं 14,000 है, तो उनके लिए है ITI कैंडिडेट मतलब 10th पास प्लस ITI चाहिए, और साथ ही साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग उन्होंने कहीं से किया हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। देन इसमें क्या है आपका जो है इंडोरेंस टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट कह लें या फिर ट्रेड टेस्ट कह लें वो होगा। तो मानी कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में सेलेक्ट होंगे वो कैंडिडेट जो है उनके लिए ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है थोड़ा सा कि आपको फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है, तो फॉर्म को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ़िलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे 1:4 रेशियो में बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पे एक सर्विसमैन वगैरह के लिए जो है छूट दी गई है, जो हर एक एग्ज़ाम में मिलती है वो दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म को फ़िलअप करने के लिए, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्म को फ़िलअप करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो आपको ब्लू कलर की लिंक दिख रहा है, या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म को डायरेक्ट फ़िलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका 50 रुपये है, 50 रुपये उन कैंडिडेट के लिए जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं, बाकी SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। और ये जो फॉर्म है या फिर आपका ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको SMS के थ्रू या फिर मेल के थ्रू जो आप दिए रहेंगे उसमें बता दी जाएगी, और आप वेबसाइट को जो है रेगुलरली विजिट करें ताकि जो भी इसमें जो भी अपलोड किया जाए वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड ये थी BCPL में आई हुई वैकेंसी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले। इसी तरह हमारे चैनल पे आप विजिट करते रहें, आपको हम नई नई तरह की जॉब बताते रहेंगे। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।